नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70 साल के हो गए हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि देश पर शासन करते हुए भी 7वां साल उनका चल रहा है। लेकिन कई सवाल हैं जो इस वक्त हमारे आपके सामने हैं। तो ताजा सवाल यह है कि दरअसल उनके एक सहयोगी, बहुत पुराने सहयोगी बीजेपी के शिरोमणि अकाली दल, उनके नेता हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि जो ये किसानों का जो बिल लाया गया है, दरअसल ये किसान विरोधी है। तो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी शिरोमणि अकाली दल ने यह तय नहीं किया है, उनको फैसला करना है कि क्या वाकई में वो फिलहाल एनडीए के साथ बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो गया, हरियाणा के अंदर जो जेजेपी पार्टी है उसके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है किसानों का। तो क्या उस बीजेपी के साथ सरकार में बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, इसको लेके अभी उहापोह की स्थिति है। आपको मालूम है करीब एक साल पहले, जो तकरीबन एक साल पहले, उनकी बहुत करीबी और बहुत पुरानी साथी शिवसेना ने भी बीजेपी से साथ छोड़ दिया था, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सवाल कई है लेकिन एक सवाल और है। सवाल यह है कि पिछले दिनों ये देखने में आया है कि जो सोशल मीडिया पे जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ताकत थी उसमें काफी कमी है। ताजा हालात कल का है, उस वक्त जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर लोग उनको बधाइयां दे रहे थे, उनका जो हैशटैग था रेस्पेक्ट फॉर पीएम, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ ने जो अपना हैशटैग चला रखा था उसमें कम से कम 10-12 गुने का फर्क था। यानी जो ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग हो रहा था, एक समय ऐसा था जब 12.5 लाख लोग जो है वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर मना रहे थे और प्रधानमंत्री के लिए जो ट्विटर चल रहा था, जो हैशटैग चल रहा था, वो तकरीबन 50,000 के आसपास था। इसके पहले मन की बात में भी देखने में आया कि जो डिसलाइक्स थे वो लाइक की तुलना में बहुत ज्यादा थे। तो कई सवाल है, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और एक सवाल पूछेंगे, क्या मोदी जी का जादू कुछ कम हो रहा है या नहीं कम हो रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है नवोदय टाइम्स के संपादक आकुश श्रीवास्तव जी, हमारे साथ है अमर उजाला के संपादक विनोद अग्निहोत्री जी और हमारे अपने बहुत करीबी दोस्त विजय त्रिवेदी जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपसे शुरू करते हैं, क्या ये जो लाइक्स डिसलाइक्स, जो ट्रेंडिंग ये सब दिखा रहे हैं, क्या आपको भरोसा हो रहा है कि हरसिमरत कौर ने इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ा है क्योंकि बीजेपी की सरकार और मोदी जी का जो प्रधानमंत्रित्व तो है उसमें थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही? साफ शब्दों में कहूं तो मुझे नहीं लगता, न तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कोई कम हुई है ऐसा लगता है। लाइक्स डिसलाइक्स और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चलती हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। नाराजगी हो सकती है प्रधानमंत्री को लेकर, और जैसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर कुछ लोगों ने उनका बर्थडे मनाया, वो नाराजगी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर नाराजगी है, ये जाहिर है, लेकिन ये लोकप्रियता का उनका मापदंड नहीं है। हरसिमरत कौर मैडम ने भी जो छोड़ा है वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। वो सवाल था पंजाब में क्या अकाली दल को खड़े रहने की जगह बची है कि नहीं बची है। जो बिल पास हुआ किसानों को लेकर, उसको लेकर वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और अकाली दल को खड़े होने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए जरूरी था कि वो कम से कम ये दिखाए कि वो किसानों के साथ है। ये कोशिश वो धीरे धीरे कर रहे थे, उनकी मजबूरी थी कि वो एनडीए के साथ हैं, सरकार में शामिल है हरसिमरत जी, अकाली दल उनका पुराना साथी है। पुराने साथी के अलावा भी बात थी कि बीजेपी आज उनकी जरूरत है, आज पंजाब में अकाली दल को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को अकाली दल की जरूरत है, ये भी बात समझने की जरूरत है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी तो उनकी मदद ही कर सकते हैं, यदि वो प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो अकाली दल उनको, अकाली दल को मदद मिलेगी। तो ये बड़ी मजबूरी थी कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों के एक पूरा माहौल बन रहा था, उसमें हरसिमरत कौर खुद फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है और इस बिल का सीधा सीधा सा एक तरह से संबंध था उस बात को लेकर, और वो कैबिनेट में चुप रही या बोला या सपोर्ट किया वो अलग बात है, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना था तो अकाली दल ने उसका विरोध किया था कि स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए उसको, लेकिन उसकी बात नहीं हुई। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिल की तारीफ की है नरेंद्र तोमर के बाद भी, उससे बदलाव होने की संभावना नहीं है, बिल पास ही हो जाएगा राज्यसभा में भी।
और अकाली दल को देखना है कि वो क्या बीजेपी के बिना जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बीजेपी का जो माइंडसेट इस समय मुझे लग रहा है, वो लग रहा है कि अकाली दल से यदि उसे छुटकारा मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बेहतर ही होगा। बट आकू जी, मुझे लगता है कि इस खबर को उस तरीके से फिलहाल अभी तक नहीं देखा गया कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से किसी मिनिस्टर का इस्तीफा देना। ये जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तो ये खबरें बहुत आया करती थी और काफी धमकियां भी होती थी, उनको मनाने की कोशिशें भी की जाती थी, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे दूसरे लोग हो, जॉर्ज फर्नांडिस उड़ के जाया करते थे, हम समझाने का प्रयास करते थे और लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में कोई भी सहयोगी दल या उनका अपना कोई मंत्री इस्तीफा दे, ये घटना बहुत कम देखने को मिली है। अगर हरसिमरत कौर ने अगर इस्तीफा दिया है तो इसके पीछे कुछ गंभीर कारण होंगे। क्या वो कारण सिर्फ पंजाब से जुड़े हुए हैं या फिर उसके अलग कुछ कारण नजर आ रहे हैं? देखिए, इसके बहुत साफ है कि इसके कारण पंजाब और सिर्फ पंजाब में है। आज अकाली दल की स्थिति ऐसी है कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दूसरी बार कि 15 सीटें सिर्फ उनके पास में हैं विधानसभा की, और वो अब आपसे भी पीछे हैं, जबकि 117 में 80 सीटें कांग्रेस के पास में है। तो उसका मूल आधार आप इसी समझ सकते हैं कि कितना कमजोर हो गया। अब वो अकाली दल अपना आधार मजबूत करना चाहता है और अकाली दल के पास मूल रूप से दो ही आधार है, या तो पंथ है या किसान है। तो पंथ और किसान के भरोसे वो आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो धीरे 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 करके उनकी कमजोरी ही हुई है। और वो दूसरी तरफ चाहे किसी माध्यम से, मैं सोनू सूद का नाम नहीं ले लू तो भी ले लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी या रणनीति या जैसा भी होगा मामला वो की है, उससे ही लगता है धीरे धीरे वो उनसे पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अकाली दल के साथ हमेशा बने रहते हैं, जैसे बना अगर शुरुआती दौर में जैसी स्थितियां थी उसमें बने रहना भी चाहते थे, लेकिन जब जब देखे तब वो धमकी की स्थिति से मजबूर होकर के उनसे उनको लगता है कि शायद किनारा कर लेना ही ज्यादा ठीक है। और ऐसे हालात, क्योंकि अब अकाली दल बादल कर रहा है तो उससे वो बहुत परेशान भी नहीं है। इसीलिए आज आप देखिए एक बार भी कोशिश ये नहीं हुई कि हरसिमरत कौर को मनाया जाए। जैसे ही प्रधानमंत्री के पास इस्तीफा आया, इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया। तो ये स्थितियां जो है ये बताती हैं कि अब बहुत मतभेद बढ़ गए हैं और अकाली दल अपने आप को मजबूत करने की कुछ चाहता है कि किसी तरीके से हम मजबूत हो। मजबूत वो विरोध करके ही हो सकते हैं, विरोध किसका करेंगे? कांग्रेस का विरोध करके कुछ पा नहीं पा रहे हैं, तो अब वो केंद्र का विरोध करके एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और उसमें वो अभी तक आज तक कभी उन्होंने आड़तियों के बारे में बात नहीं की अकाली दल ने। आड़ती मूल रूप से तो बीजेपी का वोट बैंक रहा है, लेकिन अब उन्हें वो पंजाब के 30-32 हजार आड़तियों की याद आने लग गई है, जो उसमें कुछ मजदूर काम करते हैं जिसमें से ज्यादातर जो मजदूर हैं यूपी बिहार के, अब उनकी याद आने लग गई है। तो किसानों की बहुत बात नहीं है, वो अपनी रणनीति है और वो एक तरफ तो पंथ को संभालना चाहते हैं और दूसरे तरफ किसान को किसी भी तरीके से, अच्छे बुरे तरीके से, वो उनको संभाल करके अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते। विनोद जी, जो बात जिस तरह विनोद जी ने, विजय जी ने भी इशारा किया, जिस तरह आकू श्रीवास्तव उन्होंने भी इशारा किया है, क्या आज की तारीख में हरसिमरत कौर का जो इस्तीफा है क्या वो इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी उनके साथ जाना नहीं चाहती है, या हरसिमरत कौर को यह लग रहा है कि भाई अगर हम बीजेपी के साथ बने रहेंगे और मोदी सरकार के साथ बने रहेंगे और किसानों के बीच जो असंतोष फैला कर हम उनके साथ बने रहेंगे तो हमारी राजनीति पंजाब के अंदर वैसे ही बहुत कमजोर होगी और कमजोर हो जाएगी, न इधर करेंगे न उधर करेंगे? देखिए आशुतोष जी, मैं इसको थोड़ा सा, इस आपके सवाल का जो जवाब है उसको मैं दूसरे तरीके से उसका व्याख्या कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने अपने कॉलम में लिखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी परवाह नहीं है अकाली दल के साथ रहे या न रहे, और उन्होंने ये पूरी तरह से अकाली दल पे छोड़ दिया है कि आपको सरकार आपने छोड़ दी, एनडीए में रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो नहीं रहिए। और आप देखिए ना कि पूरी तरह से भाजपा ने एक तरह से अकाली दल को विवश किया है कि वो मजबूरी में वो स्टैंड ले, क्योंकि भाजपा अपनी तरफ से उनको नहीं छोड़ेगी, अभी अकाली दल पे छोड़ दिया गया है पूरी तरह से कि आप जो करना है करिए। और कुल मिलाकर के जिस तरह से ये सारा प्रकरण हुआ है, अध्यादेश कैबिनेट में आए, विधेयक कैबिनेट में आए, कुल मिलाकर तो हरसिमरत कौर वहां बतौर कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थी,
उस वक्त उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई और कुल मिलाकर के इस तरह से जो है ये पूरा मामला बना। और जब पंजाब में किसानों का विरोध जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ और कांग्रेस ने एक आक्रामक रवैया अपनाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको एक मुद्दा बना दिया, तो अकालियों को भी जमीन खिसकती हुई नजर आई और उनको ये स्टैंड लेना पड़ा कि हरसिमरत कौर को जो है इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं दूसरी बात आता हूँ, बीजेपी का गेम प्लान बहुत बड़ा है। बीजेपी का गेम प्लान ये है जो महाराष्ट्र का है, वो अब पंजाब में पूरे पंजाब की पार्टी बनने का गेम प्लान है उनका। और उनको मालूम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह जो याकू जी भी कह रहे थे और लोकसभा चुनाव में जो अकाली का परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रकाश सिंह बादल का जो कद था, जो लोकप्रियता थी, वो सुखबीर बादल की नहीं है। अकाली दल में खुद पड़ चुकी है। सुखबीर से सुखदेव ढींडसा अलग हो चुके हैं और तमाम जगहों पर असंतोष है काफी जिले स्तर पर। बीजेपी उन सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को और ढींडसा ग्रुप को भी अपने साथ लेने की तैयारी कर रही है। और बीजेपी वहां चूंकि पहले एक दूसरे के पूरक थे, ये जो जट सिख और किसानों का वोट वो अकाली दल के पास था और हिंदू वोट और गैर सिख वोट जो है शहरी वोट जो है वो बीजेपी के पास होता था। बीजेपी अब इस पूरे एक तो नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है, अपना जो करिश्मा है, अपनी जो नेतृत्व है वो, और साथ में इन छोटे छोटे नेताओं को लेकर के ढींडसा और तमाम जिले स्तर पर जो अकाली दल के स्प्लिंटर ग्रुप है उनको अपने साथ लेके बीजेपी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो उसी तरह उनके पास आ जाए जैसे पश्चिम बंगाल में सीपीएम का सपोर्ट बेस बीजेपी के साथ जा रहा है तृणमूल से नाराज होकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस और कार्यकर्ता है वो बीजेपी से उसकी नाराजगी नहीं है, उसकी नाराजगी अकालियों से रही है। और अगर बीजेपी वहां एक फोर्स के रूप में सामने आती है तो वो उनकी तरफ शिफ्ट कर सकता है। ये फीडबैक बीजेपी के लीडरशिप को मिल चुका है और इसलिए वो इस पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी अलोकप्रिय हो गए इसलिए हरसिमरत कौर ने छोड़ा है। अब अकाली दल आज भी तय नहीं कर पा रहा है उसको एनडीए में रहना कि नहीं रहना, वो बड़ी दुविधा में है। और हरसिमरत कौर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रही थी पार्टी तय करेगी क्या करना है क्या करना, जबकि खुद सुखबीर बादल की पत्नी है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है। मतलब वो कोई स्पष्ट नीति लेने की स्थिति में ही नहीं है। शिवसेना ने बीजेपी का साथ इसलिए छोड़ा कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, राज्य की सत्ता मिल गई। अकालियों के साथ समस्या ये है कि राज्य की सत्ता से भी बाहर हैं, केंद्र की सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर होने का रिस्क उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, ये उनके सामने बड़ी दुविधा है। बट लेकिन विजय जी, जो बात अभी विनोद जी भी कह रहे हैं और आकू जी भी आपने भी कहा, मेरा सवाल आप लोगों से ये कि क्या अभी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से लगने लगा है कि बीजेपी एक इतना बड़ा बरगद हो गया है कि अगर उसके नीचे हम लोग रहेंगे तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ पाना और अपनी जगह को बनाए रखना एक मुश्किल काम होगा। क्या ये इसके पीछे कारण है या पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना को लेकर एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हुई, आर्थिक स्थिति आज देश के अंदर बहुत खराब है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब है और चाइना के साथ संकट बहुत बड़ा हुआ है, इन तीनों संकटों को अगर देखें तो अगर कोई भी नेता जो भविष्य की राजनीति करता है वो इस बात का आकलन जरूर करेगा कि हमको मोदी जी के साथ रहने से फायदा है या मोदी जी के साथ रहने से नुकसान भी है। जब तक शिवसेना को लगता था नुकसान नहीं है तब तक तो 5 साल तो उन्होंने आराम से उनके साथ काटा और प्रकाश सिंह बादल की पार्टी भी उनके साथ बनी रही। अब अचानक ये छोड़ना है, ये क्या संकेत देता है? आपके सवाल से मैं उलट बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को लग रहा है कि मोदी के साथ रहने में फायदा है या नहीं है इसलिए वो छोड़ रहे हैं या सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं, बात इससे उलट है। भारतीय जनता पार्टी जो 90s की जो भारतीय जनता पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी, उससे अलग पार्टी हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन गई है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। इसलिए वो ये तय कर रही है कि इन छोटे दलों को अपने ऊपर कंधे पर बिठाकर ले चलना है या नहीं ले चलना है। आज वो उनके कंधे पर अपनी सवारी कर रहे हैं, अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तय कर रही है और वहां जो रीजनल लीडरशिप है, मुझे याद है कि महाराष्ट्र के चुनावों के वक्त भी वहां की रीजनल लीडरशिप बड़ा जोर डाल रही थी और बड़ी मुश्किल से फैसला हुआ था कि शिवसेना से अलग जाकर फैसला चुनाव लड़े जाए पिछली बार। अकाली दल में भी मुझे याद आ रहा है कि जब ये चुनाव हो रहे थे पिछली बार विधानसभा के, तब भी लोकल लीडरशिप इस बात पर जोर दे रही थी कि अकाली दल से अलग चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उस समय नहीं लड़ा गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि जब अकाली दल किसी काम का नहीं है, पंजाब में अब उनकी स्थिति पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत मजबूत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना खड़ा हो जाए। और फिर शिवसेना महाराष्ट्र के साथ उसको एक खून भी मुंह लग गया है कि शिवसेना जैसी ताकतवर पार्टी को हरा कर भी छोड़ कर भी वो नंबर वन पर बड़ी पार्टी बन सकती है, तो पंजाब में तो उसके लिए बड़ा रास्ता है। और जैसे विनोद जी कह रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको आगे चलकर कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता और बहुत से लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं जब भी चुनाव हो या आगे की जो रणनीति बने, और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर वहां पर खड़ी होगी और वो
महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्टेट होगा पंजाब, जहां अकाली दल या उसके सहयोगियों को छोड़कर वो जाएगी। इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन ये मत कीजिए कि क्षेत्रीय दलों को जो नुकसान हो रहा है या क्षेत्रीय दल को लग रहा है कि मोदी जी से नुकसान हो रहा है। आज तो साहब ये हालत है कि जो भी लोग हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह से मोदी जी के साथ चिपके रहें और जो जितना समय निकाला जा सकता है वो निकाला जाए। आप बिहार को देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है, जो 2015 के चुनावों में बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, वो सब चीजें छोड़कर वापस उनके साथ आए हुए हैं और सब लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी क्या एकला चलोरे की तरफ रास्ते की तरफ बढ़ रही है और वो समझते हैं कि वो अकेले ही चला लेगी। हो सकता है जब अगले चुनाव आए तब तक कुछ रणनीति बदले और माहौल बदले, लेकिन नहीं लगता मुझे। बट आकू जी, मैं थोड़ा सा विजय जी की राय से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने शिवसेना को नहीं छोड़ा, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी तो अंतिम समय तक कोशिश करती है कि उनके साथ जुड़ जाए। अगर आप असम के अंदर देखें तो असम में जब NRC आया तो उसके बाद असम गण परिषद ने बीजेपी को छोड़ा और उसके बाद हालांकि दोबारा वापस लौटे हैं। अब जो 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 स्थिति हरियाणा के अंदर भी है, वहां भी JJP के ऊपर ये दबाव है कि वो साथ में बने रहे या साथ न बने रहे। बीजेपी जरूर चाहेगी कि JJP उनके साथ हो। मेरा सवाल ये, चूंकि आपका पंजाब का बहुत ज्यादा अनुभव है, कि पंजाब के अंदर क्या बीजेपी जो एक हिंदू पार्टी मानी जाती है, हिंदी पार्टी मानी जाती है, अगर वो अपने दम पर जाएगी तो क्या वहां खड़ी भी हो पाएगी, नहीं खड़ी हो पाएगी? देखिए, जहां तक अभी आपने बात की महाराष्ट्र की और दूसरे राज्यों की, तो वहां आप हश्र देख लीजिए। हश्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी और बड़ी उभरी है, तोड़ा या नहीं तोड़े के बाद भी, अपनी स्थिति से अलग होने के बाद भी, वो वहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी स्थिति में है आज की तारीख में भी। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में हमेशा की तरीके से, चाहे जैसी भी बुरी हालत रही हो, लोकसभा की 3 सीटें तो लगभग हर बार भारतीय जनता पार्टी जीती रही है। राज्यसभा विधानसभा में भी ठीक ठाक नंबर उसके 20-22 के आसपास आते रहे, इस बार बहुत बुरी हालत में रहे हैं वो। तो उनको एक हिंदू वोट बैंक के तौर पर तो स्वीकार पार्टी है ही है। आपने जो गलती की थी आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी सिखों की पार्टी बनने की जो कोशिश उन्होंने की थी, उसमें वो उस जो सरकार बनते बनते उनकी बिगड़ी है, उसकी वजह ये थी। इसपे हम बहुत सारे कारण हैं जिसपे हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बन पाई। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने आप को एक हिंदुओं की पार्टी बताती रही, करती रही। ये हिंदुओं की पार्टी क्या कहें, बल्कि आप ये कही कि हिंदुओं का वोट बैंक बड़ा उसके साथ रहा, पार्टी नहीं बताई उन्होंने। और उन्होंने साथ साथ सिखों को भी अपने काफी उसमें रखा है, और सिखों के लिए उनको याद बार बार दिलाया जाता है कि जो आंदोलन 84 का दशक, 90 के दशक में जो कुछ भी हुआ वो किस वजह से हुआ था। तो शांति सब चाहते हैं, पंजाब की जो स्थितियां हैं और पंजाब का जो बॉर्डर है वो हमें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, उसको कतई इजाजत नहीं देता कि वहां पर कोई आतंकवादी स्थितियों को कोई जगह मिले। तो उसमें बहुत सारा सिख वोट बैंक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है अगर उसको मौका मिले। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को एक स्थापित कर सकती है, अगर उसकी संभावनाएं बनती हैं, तो वो बनाएगी और उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए वहां बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहने के लिए, या हम आप ऐसे विश्लेषकों का ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अदद दोस्त खो दिया, इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं है। देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए किया, और मैं फिर दोबारा आपू जी आपसे ही सवाल पूछूंगा, उसके बाद में विनोद जी के पास जाऊंगा। देखिए, पंजाब की राजनीति बिल्कुल अलग अलग राजनीति है। आम आदमी पार्टी वहां इस समस्या को समझ नहीं पाई। पंजाब की राजनीति जो है वो पंथ की राजनीति है, वो धर्म और जो है वो धर्म और राजनीति के मिलाव की राजनीति है। वहां आतंकवाद भी रहा है, वहां बॉर्डर स्टेट भी रहा है, वहां सेपरेटिज्म भी रहा है, वहां तमाम चीजें रही है। वहां पर वही पार्टी कामयाब हो सकती, या तो उनके नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या सुखबीर बादल हो। कोई हिंदू नेता या कोई हिंदू पार्टी वहां पर क्या स्वीकार भी होगी या स्वीकार नहीं होगी? आकू जी, देखिए, ये बहुत आसान सवाल नहीं है कि हिंदू नेता, सिख डोमिनेट राज्य है, सिखों का पूरा आधिपत्य रहा है। बाकी अगर आप उनको देखें कि सिख चाहे पैसे से हो, जमीन से हो, वो सब वहां मजबूत रहे हैं। जाटों का अपना एक आधिपत्य है, तो तय है जाटों का मतलब आप मान लेते रहे हम लोग के साथ वो बादल, लेकिन कभी कभी उसमें कांग्रेस आती है। 2 बार अभी इस सरकार के पहले 2 बार लगातार बादल जीते थे। तो हिंदुओं की पार्टी बन करके सिर्फ काम नहीं चलने वाला है,
वहां भारतीय जनता पार्टी को एक राज्य की पार्टी बनकर के और राज्य की पार्टी बनने के लिए ही वो सब बहुत, अगर आप देश के अन्य हिस्सों को भी, जैसे मैंने पहले नाम लिया था सोनू सूद का या बाकी और का, अगर उस तरीके के कुछ और प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, और तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जगह बना सकती है। कैसे बनाएगी, और खास तौर से जब उसको काटने वाले बहुत सारे मजबूत होंगे, उसमें पंथ मजबूत होगा, उसमें किसानों का नाम मजबूत होगा। अब ये देखना होगा कि किसान को लेकर के जो भ्रम है या जो वास्तविकता है, मैं दोनों ही से कह रहा हूं आपको, वो जो फैलाए जा रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी कितनी कुशलता से काट पाती है। जो ये कहा जा रहा है कि साहब एमएसपी नहीं रहेगा, तो वो तो प्रधानमंत्री ने आज साफ कह दिया, या ये कहा जा रहा है कि कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस नहीं रहेगा, वो साफ कह दिया। तो अब कितना भ्रम रहता है, कितना आंदोलन रहता है, ये इस पर भी निर्भर रहता है। अगर आंदोलन वहां मजबूती पकड़ गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और अगर वो आंदोलन नहीं पकड़ पाया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। विनोद जी, मुझे लगता है आपका कनेक्शन दोबारा मिल गया है। मेरा कहना यह कि पंजाब हिंदुस्तान की राजनीति में या हिंदुस्तान में अकेला ऐसा सूबा है जो एक तरीके से कहें कि धर्म के आधार पर बना, सिखिज्म के नाम पर बना है। और जो मेरा अनुभव कहता है कि सिखों को यह कहना है कि अगर दुनिया में कहीं कोई एक सूबा है जो हमारे नाम पे या सिखों के लिए बना है, वो पंजाब है। तो वहां पे गैर सिख हमको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जो बीजेपी की जो छवि है, आप पंजाब से बाहर निकले, हरियाणा में बीजेपी बहुत आराम से खप जाएगी, राजस्थान में खप जाएगी, सब जगह खप जाएगी, लेकिन पंजाब के अंदर अगर वो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान की बात करेगी, जो उसका डीएनए है, हिंदुत्व की बात करेगी, तो कैसे पंजाब में अपने आप को स्थापित कर पाएगी, मेरा सवाल। आशुतोष जी, बीजेपी बहुत ही व्यवहारिक पार्टी है, या आप कहें प्रैग्मेटिक पार्टी है। वो अपने हिसाब से चीजों को ढालने में और वहां जहां वो चुनाव लड़ती है वहां के हिसाब से ढालने में बहुत सिद्धस्त है। वो उस तरह से वो दो स्तर पे काम करती है। एक तरफ तो संघ के कार्यकर्ता अपना जो ओरिजिनल एजेंडा हिंदू हिंदू हिंदुस्तान वाला वो चलता रहता है, और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी और उसके नेता हमेशा जो है वो दूसरी भाषा बोलते हैं। वो जो है कश्मीर में जाके कश्मीरियत की बात करते हैं तो पंजाब में पंजाबियत की बात भी करेंगे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो पंजाब में है, उसका काडर है, उसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर की उसकी जो पहचान है, लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री की ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बीजेपी की है उसके पास पैन पंजाब कोई लीडर नहीं है। ना तो सिख कोई लीडर है और ना ही हिंदू लीडर भी कोई है आज की तारीख में जिसकी पूरे पंजाब में पहचान हो। ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए अभी बार बार जो सोनू सूद का जिक्र कर रहे हैं अकू जी, मतलब मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या इसके पीछे रणनीति है। हो सकता है भाई कोई रणनीति भी हो और सोनू सूद को वहां ले जाने की बात हो, लेकिन आप भी आपको याद है आम आदमी पार्टी जब वहां चुनाव लड़ रही थी तो बार बार ही अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और स्थिति यह थी कि आम आदमी पार्टी के सामने भी कोई सिख चेहरा नहीं था, और बार बार ये हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन बनेगा। तो ये इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी कारगर तरीके से नहीं दे पाई थी, और उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को फायदा मिला और वो एक बड़े चेहरे के रूप में, चूंकि हैं भी बड़े नेता वहां के। तो ये एक समस्या बीजेपी के सामने जरूर है, लेकिन बीजेपी कोई ना कोई इसका तोड़ जरूर निकालेगी। कोई हो सकता है सुखदेव सिंह ढींडसा को ले ले, हो सकता है सिद्धू की वापसी कर ले, हो सकता है कि कांग्रेस से किसी सिख नेता को तोड़ ले, तो वो कुछ ना कुछ बीजेपी जरूर करेगी इस बात को लेकर के। और बीजेपी जानती है कि वहां सिर्फ हिंदू हिंदू करके बात नहीं बनेगी, उसको कुल मिलाकर के गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक का नाम लेकर के और ये बता करके कि भाई सिखों और हिंदुओं के बीच जो रिश्ता है वो अटूट है, वो सारा जो है उस आधार पर जो है वो उस पर चलेगी। और ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अब अकाली दल और बीजेपी की दोस्ती बहुत दिन लंबी चलने वाली हमको लगती नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जो भी लाभ, राजनीतिक लाभ मिल सकता था पंजाब में अकाली दल की दोस्ती से, वो उसको मिल चुका है। अब अकाली दल की जो समस्या है, अकाली दल के अंदर आपको जी बेहतर जानते होंगे कि अकाली दल के अंदर सुखबीर बादल के आने के बाद जिले स्तर पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत असंतोष है, और ये सारी खबरें बीजेपी को मिली है और उनके संपर्क सूत्र बाकायदा उन स्थानीय नेताओं को, जो उसमें सिख नेता बहुत बड़ी तादाद में है, उनसे संपर्क में है। और जिस दिन ये गठबंधन टूटेगा आप देखिएगा कितनी तेजी से जो है तमाम नेताओं का जो है पाला बदल शुरू होगा। चलिए अब जो मैंने एक दूसरा सब विजय जी आप कुछ कहना चाहे कुछ कहना चाह रहे तो इसमें आपने कहा कि उससे मैं थोड़ा सा कम सहमत हूँ कि पंजाब जो है वो सिख धर्म के आधार पर बना। पंजाब भी भाषाई आधार पर राज्य बना था जब हिंदी और पंजाबी की बात आई थी और पंजाबी और हरियाणा और हिमाचल बने वहां पर महापंजाब से,
उस वक्त की बात मैं आज बता रहा हूँ आपको, आप हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, संघ ने जब वहां पर भाषा को लेकर सर्वेक्षण हुआ और जनसंख्या जनगणना हुई तो संघ ने वहां पर कहा लोगों को कि आप वहां पर अपनी भाषा हिंदी की बजाय पंजाबी लिखें। समझे, जब पंजाब बन रहा था और जब इसकी बात की ताकीद की जा रही थी कौन पंजाबी बोलने वाले हैं और कौन हिंदी बोलने वाले हैं, तो संघ की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी वहां पर अपनी भाषा जो है मातृभाषा पंजाबी लिखे, पहली बात। दूसरी बात है कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और सिखों को एक तरीके से जोड़कर रखती है, हमेशा ही वो सिखों को हिंदू धर्म से अलग करती ही नहीं है। फिर अभी करतारपुर साहब का जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, फिर प्रकाश पर्व हुआ, और लगातार ये बात हो रही है। मुझे लगता है कि जैसे ही इस पर कोशिश होगी बीजेपी सिख नेताओं को, ये बिल्कुल ठीक है कि वहां पर सिख नेता की जरूरत है, तो सिख नेताओं में सुखदेव सिंह ढींडसा साहब जो बड़े नेता हैं उनको भी लिया जा सकता है, और सिद्धू साहब पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पुराने मित्र हैं तो वो कहीं वापस आए या नहीं आए उसकी चर्चा भी की जा सकती है कि वो किस तरह से यहाँ पर होगा भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किलें वहां पर आएंगी भारतीय जनता पार्टी को उसे। और फिर एक और चीज जोड़ लीजिए, यदि आप सिखों का ही कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट देखिए कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में आप हमेशा करते रहे सारे, आप जैसे विद्वत पत्रकार की गैर मराठा नहीं चल सकते, देवेंद्र फडणवीस वहां पर चीफ मिनिस्टर बने। हरियाणा में आप कहते रहे कि गैर जाट वहां पर नहीं बन सकता, वहां पर मनोहर खट्टर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज जो है ना पॉलिटिक्स में, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं संभावनाओं से इनकार नहीं करता हूँ। चंद्रशेखर जी का इस मामले में मैं काफी मुरीद था जो कहते थे कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, तो मैं आपकी राय से ना इत्तफाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने चूंकि जो मेरा अपना अनुभव पंजाब को लेकर ये है, और शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि बहुत थोड़े समय के लिए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब का इंचार्ज भी था, हालांकि बाद में मैंने फिर उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं था मेरा, तो जो बात वहां पे मैंने बहुत एक तो शायद सरकार बन जाती। नहीं नहीं मैं रहता तो शायद नहीं बनती, उस बैठ पे नहीं पड़ते, उस बैठ पे नहीं पड़ते क्योंकि फिर आप बहुत पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उसमें बहुत सारे रहस्य जो मेरे पास है मैं अभी नहीं चाहता हूँ कभी खोलूं, कभी किताब लिखूंगा तो अपने आप में बेस्ट सेलर हो जाएगी मुझे मालूम है। आप उसी बात सीने में भी अमर सिंह की तरह रहस्य बहुत दबे हैं। नहीं 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 तमाम आशुतोष जी वो 6 महीने कब कम्प्लीट हो रहे हैं जो आपने कहा था कि 6 महीने तक नहीं बोलूंगा, अब देखिए फिर बाद में बोलूंगा। देखिए आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लिखा, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने satyhindi.com पे भी लिखा, तो वो भी आपने, तो धीरे धीरे इंतजार करिए ना, वो जो धीरे धीरे जो पर्दा खुलता है तो उसका जो मजा अलग होता है। अच्छा मैं अब आखिरी पड़ाव पर हूँ, मैं एक सवाल जो आप लोगों से पूछना चाहता था विद्वत जनों से, क्योंकि इधर एक फिनोमेनन देखने में आया है, नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और पहली बार एक नेता आया जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से कनेक्ट स्थापित किया और जहां पर उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन कम से कम दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, एक जो मन की बात जिस दिन उन्होंने की है उस दिन मन की बात को कम से कम 3 गुना ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया और लाइक कम को किया। उधर अभी जो कल का हिस्सा है कि जब बीजेपी की तरफ से कोशिश हुई कि नहीं प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाए, रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर नाम का हैशटैग चलाया गया, तो कम से कम मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 गुना ज्यादा वो जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे था वो ट्वीट हुआ है। और मेरे पास अभी डेटा, मैं पूरा डेटा भी आपको बता नहीं पा रहा हूं, जैसा हाँ बता देता हूं आपको, हैशटैग 17:17 960,000 ट्वीट्स, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे 12.5 लाख ट्वीट, और उसके अलावा एक है राष्ट्रीय रोजगार दिवस 40,000 ट्वीट्स, और रेस्पेक्ट योर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 51,000 ट्वीट्स। अब आप जोड़ लीजिए तो 25 से 30 गुने का फर्क नजर आ रहा है। मेरा कहना है कि या तो कुछ तो ऐसा हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे जो प्रधानमंत्री को उस तरीके का रेस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, बल्कि ज्यादा लोगों की नाराजगी दिखाई पड़ रही। आकू जी देखिए, अगर आप डाटा की बात करेंगे तो जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से प्रक्रिया करता है, लेकिन विपक्ष में आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कांग्रेस के कितने वोट थे, और अगर वो वोट हैं तो उस पे अगर प्रक्रिया करेंगे और वो अपनी रिएक्शन देते हैं सोशल मीडिया पे तो इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है उसमें। और अगर वो उतारू हो ही जाए कि हर चीज में हमें विरोध दिखाना है तो सोशल मीडिया तो किसी के पिताश्री की कोई बबोती तो है नहीं, आप भी उसमें खूब कर सकते हैं, मैं भी खूब कर सकता हूँ, दूसरा भी कर सकता है। अगर चिराग पासवान जो है बिहार में बिहारी फर्स्ट
का नारा दे करके काफी आगे आ सकते हैं सोशल मीडिया का उपयोग करके। आज की तारीख में वो जेडीयू से ज्यादा अच्छा सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो लेकिन क्या मान लिया जाए कि चिराग जो है वो अभी से जेडीयू से बड़े नेता हो गए। इसी तरीके से एक स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अब सरकार धीरे धीरे एक अपना जो कार्यकाल है उसका चल रहा है और कभी तो खत्म होगा, तो खत्म होने के प्रयास में सरकार को दूसरा विपक्ष जो है वो अपने तरीके से अपने कील ठोकने के तरीके से कोशिशें कर रहा है और ये हो रही है। तो चाहे देखिए बेरोजगारी से इनकार नहीं किया जा सकता, मेरा बेटा या मेरा भतीजा अगर बेरोजगार है तो वो अपनी बात कहने के लिए वो वहां ट्वीट करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा, अपनी बात कहेगा तो वो वी रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर वाले पे नहीं जाके करेगा, वो वही बेरोजगारी का जो उसको फोरम मिलेगा वहां जाके करेगा। लेकिन जब ओवरऑल बात आती है तो फिर वो कहाँ आ जाते हैं, फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है इसको निष्कर्ष निकालना। हाँ, ये प्रक्रिया अगर लगातार जारी रहती है, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री के समर्थन में लगातार चीजें कम होती हैं तो खतरनाक होंगी, लेकिन ये जब ये देख लिया गया कि दो इवेंट में ऐसा हुआ है तो अब दूसरी सेना जो है, जो सत्तारूढ़ सेना है, वो भी अपना काम करेगी, दिखाएगी कैसे क्या करेगी। ये मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया के जहां तक इस्तेमाल, और सोशल मीडिया के का विश्लेषण आपको बहुत तत्काल नहीं करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। विनोद जी से बार बार संपर्क टूट रहा लेकिन दोबारा जुड़ गया। तो विनोद जी, ये जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, मैं तो ये मान सकता हूं कि दो गुना तीन गुना बढ़े तो ज्यादा है, लेकिन अगर एक जगह 50,000 है और दूसरी जगह करीब 25 लाख के आसपास अगर है तो चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जमाना था जब सोशल मीडिया पे मोदी जी को और बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई दूर दूर तक नहीं था। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, चिंता की बात है और गैप बहुत बड़ा है, और चिंता की बात खाली हमारे आपके लिए नहीं, बीजेपी की आईटी सेल में भी इसको लेकर के चिंता है, खास करके जब मन की बात वाला जो आंकड़ा आया था उसके बाद जो है उस पर वहां चिंता भी व्यक्त की गई थी। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, मैं आकू जी की बात सहमत हूँ और शायद विजय जी भी इसी बात राय के हैं कि अभी बहुत जल्दी कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि ये सही है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बावजूद इसके कि हमारा जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड टीवी मीडिया है उसे सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत से उसको फुर्सत नहीं मिली, उसने इन मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये मुद्दे बहुत जबरदस्त पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में। आप भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, विजय जी और आकू जी भी रहते हैं, तो हम लोग खुद देख रहे हैं इसको लेकर सोशल मीडिया पे, वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप पे, इन पे बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन चल रहा है। अपोजिशन जो दल है, पार्टियां हैं, वो भी चला रही हैं, दूसरा इन तमाम सारे स्वतंत्र संगठन भी चला रहे हैं, तो ये उसका असर भी है कि लगातार जो कैंपेन चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक असर आया और ये इसको इस रूप में लिया गया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि लोकप्रियता घटना और लोकप्रियता बढ़ना, सवाल ये है अगर मोदी जी की लोकप्रियता घट रही तो बढ़ किसकी रही, ये बहुत बड़ा सवाल है, अभी बढ़ता हुआ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो संभव है कि इस मुद्दे पर, मोदी जी को के वाले मामले पर थोड़ा गैप बहुत बड़ा हो गया, डिसलाइक ज्यादा आ गए उधर टूर, लेकिन अभी इस पर मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, बहुत जल्दी है, क्योंकि मोदी जी के बारे में एक बात आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, वो नैरेटिव बदलने में उनका कोई सानी नहीं है, वो किस समय कौन सा नैरेटिव बदल दे और देश पूरा उसके पीछे चल दे। आप देखिए 2019 के चुनाव के पहले भी, पुलवामा से पहले हम सब इस बात को मान रहे थे इस बार बड़ा टफ है चुनाव और शायद बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिले, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, 200 सीटें होंगी कि 225 होंगी, कुछ लोग 150 कह रहे थे, लेकिन जैसे पुलवामा की आतंकवादी घटना हुई और उसके बाद बालाकोट का अटैक हुआ कि पूरा नैरेटिव देश का बदल गया और उसके बाद 303 सीटें बीजेपी अकेले जीत के लाई। तो अभी बहुत समय है, इसलिए अभी निष्कर्ष निकालना मतलब मुझे लगता है, मैं निष्कर्ष के बारे में बात मैं बिल्कुल निष्कर्ष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोशल ट्रेंड के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके की बातें बीजेपी के अंदर भी कही जा रही थी कि इस बार हमको बहुमत मिलना मुश्किल हो पाएगा, ये तो एक बीजेपी के एक बहुत बड़े सीनियर नेता ने मुझसे ही खुद इस बात को एडमिट किया था, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन बालाकोट के बाद स्थितियां बदली। मेरा कहना यह कि जब आप एक एक व्यक्ति लंबे समय तक पद पर रहता है तो एक फटीक फैक्टर भी डेवलप होता है, खासकर ऐसे समय में जबकि पिछले 6 महीने से देश के अंदर एक तरीके से लॉकडाउन है। तो विजय जी, आपसे आखिरी सवाल, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मुझे मालूम है कि आप बहुत कंसाइस बोलते हैं, कोई ट्रेंड नजर आ रहा है या नहीं, मैं निष्कर्ष की बात नहीं कर रहा, कोई ट्रेंड दिख रहा है या नहीं दिख रहा?
देखिए दो बातें हैं, सोशल मीडिया को आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई समझता नहीं, जिस तरह से आपने दिल्ली में सरकार बनवाई थी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया के माध्यम से, एक पूरा माहौल बनवाया था 2015 में और उससे पहले, तो सोशल मीडिया का असर है। और 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी श्रीराम कॉलेज में गए थे और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया का ट्रेंड उन्होंने किया था, तो जो लगातार हो रहा है, मन की बात हुई और ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भी हुआ, ये चिंता की बात होनी चाहिए, इसे राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। ये धीरे धीरे बनेगा, सिमर होगा और फिर एक साथ कहीं पर निकल कर आ सकता है, इसलिए इसको आप राइट ऑफ मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि खासतौर से प्रधानमंत्री जी इसको राइट ऑफ नहीं कर रहे होंगे और सीरियसली ले रहे होंगे। केवल ये डिस्टाइक स्लाइस की बात नहीं है, ये मैसेज है जी। यदि ये मैसेज आज सही समय पर पहुंच जाएगा पार्टी के पास, सरकार के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, तो उसके नतीजे शायद कुछ और हो सकते हैं। और जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि वो नैरेटिव बदलने में एक्सपर्ट है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया भी हिंदुस्तान की आवाज है, सोशल मीडिया भी हिंदुस्तान की आवाज है। मैं आज ये जो बहस थी, बहस का मतलब सिर्फ ये था कि जब जिस तरीके से अकाली दल बीजेपी से अलग हुआ है, इसके पीछे की राजनीति बहुत कुछ हो सकती है। अकाली दल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश भी कर सकता, बीजेपी अपने बल पे पंजाब के अंदर खड़ी होने की कोशिश भी कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें कभी कभी सरफेस के नीचे चला करती है, जिसको अंदाजा शायद हम पत्रकारों को थोड़ा देर से लगता है। इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके से मन की बात में डिसलाइक्स बहुत ज्यादा हुए और कल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जिस तरीके से करीब 25 गुना ज्यादा ट्वीट हुआ प्रधानमंत्री के रेस्पेक्ट फॉर यूपीएम की वजह से, तो वो एक सवाल है और इस पे हमें आपको चर्चा करनी चाहिए कि जो हमने आज चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।